छुट्टी वाले दिन खाना जरूर बनाना चाहिए, नहीं नहीं छुट्टी वाले दिन बाहर भी खा सकते हैं। वैसे फेस्टिवल में क्या होता है कि घर में कम खाना बनाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बनाना घर पे शुरू कीजिए। बनाना, हाँ बनाना से याद आया कि ये मेरे पास में है कच्चा बनाना, रॉ बनाना, कच्चा केला, और इसकी सब्जी से शुरुआत करेंगे दशहरे की। और दशहरे के लिए भाई देखिए बहुत शुभ मुहूर्त होता है, तो इसलिए अगर अभी तक आपने खाना बनाना नहीं शुरू किया तो अब शुरुआत कर लें। ये कच्चा केला आप प्रेशर कुक भी कर सकते हैं, पानी के अंदर आपने इसको डाल के इसे पका लिया। तो ये देखिए ये जो कच्चे केले हैं क्या होता है कि ये इस तरह से ये हमने इसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया और ये पक गए। मीठे नहीं होंगे, मीठे हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये जो हम बना रहे हैं रस्सेदार ग्रेवी वाली रेसिपी उसके लिए हमें मीठे नहीं चाहिए केले। तो ये ले लिया, इसके अंदर मेरे पास ये मस्टर्ड सीड्स, ये मस्टर्ड सीड्स लेकर इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। ये लीजिए करी पत्ते और उसके साथ साथ स्लाइस्ड अनियन, ये स्लाइस करा हुआ प्याज, ये लेकर इसे अब हम जरा सौते कर लेते हैं। तो ये हल्का सा इसे पकाना है और ये जो हमारे पास है ये लेकर इसमें कच्चा केला, ये लीजिए कच्चा केला लेकर अब इसके इस तरह से पीसेस हम काट लेते हैं। और ये अब इसकी जो ग्रेवी है वो कैसी बनेगी, वो बनेगी नारियल के साथ। इसमें एक काम करते हैं, जरा इसको और लाल ना हो जाए ये, उससे बचा लेते हैं। तो ये लीजिए ये हमने इसमें डाल दिया पानी और ये प्याज जो हैं और ये लाल नहीं होंगे क्योंकि पानी डाल के इसमें ड्राई कुकिंग रोक दी। ये हमारे पास हल्दी, तो ये हल्दी पाउडर इसके अंदर, उसके साथ साथ रेड चिली पाउडर इसके अंदर और इसमें ग्रीन चिली। तो ये जो ग्रीन चिली है ये लिया, स्लिट किया, ये ग्रीन चिली स्लिट करके इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें हम डाल देते हैं ये कच्चे केले। कुछ फल ऐसे होते हैं जिसका सब्जियों में काफी इस्तेमाल होता है, जैसे टमाटर। भाई टमाटर है तो फल लेकिन सब्जी के रूप में ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ फलों की भी सब्जियां बनती हैं। अब आप देख लीजिए पाइनएप्पल बहुत ज्यादा खाने के अंदर इस्तेमाल होता है, कच्चा आम भी इस्तेमाल होता है, इसी तरह से कच्चे केले भी इस्तेमाल होते हैं। कच्चे केले की जो सब्जी है वो बहुत बढ़िया बनती है, मिठास तो उसके अंदर होती नहीं है लेकिन आलू से मिलता जुलता होता है उसका टेस्ट। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको खाएंगे तो आपको लगेगा कि आलू जैसा ही टेस्ट है। अब आलू के चिप्स भी बढ़िया बनते हैं, कच्चे केले के चिप्स भी बढ़िया बनते हैं, लेकिन यहाँ हम चिप्स थोड़ी बना रहे हैं। ये हमारे पास धनिया पाउडर, नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे मिक्स कर दिया। अब देखिए हल्दी से इसका जो रंग है, लाल मिर्च से रंग एकदम बढ़िया, मज़ेदार हमारी रेसिपी जो तैयार हो रही है। इसमें थोड़ा सा खट्टापन होना चाहिए, तो ये जो खट्टापन है ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खट्टापन। ये लीजिए इमली का पल्प, ये डाल दिया हमने इसमें। नमक पड़ चुका है, इमली हो गई, लाल मिर्च हो गया, हरी मिर्च हो गई, सारी चीज़ें हो गई और कच्चा केला, ये देखिए क्या बढ़िया। और अब इसमें हमें डालना है इसकी ग्रेवी का राज, और ये जो ग्रेवी का राज है वो होगा कोकोनट मिल्क। ये लीजिए कोकोनट मिल्क इसके अंदर, आंच कर दें धीमे और बस ये कोकोनट मिल्क को थोड़ा सा गरम भर करना है, इतना सा गरम जब ये हो जाएगा तो ये जो हमारी डिश है ये तैयार। हाँ इसमें मसाला जो एक रह गया है वो है गरम मसाला पाउडर, ये इसके अंदर डाला। और देखिए ये जो कोकोनट मिल्क है ये कैसे गरम हो रहा है, सारे करी पत्ते की भी खुशबू,
इसके अंदर और इमली का भी खट्टा टेस्ट और ये सारे जब मसाले इसके अंदर समा जाएं तब इसका स्वाद चख लेना चाहिए। डिलिशियस। जो इसके अंदर इमली है बहुत बढ़िया कमाल कर रही है और थोड़ा थोड़ा तीखापन जो है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा नहीं और इसमें कोकोनट मिल्क डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस ये गर्म हो गई। और उसके बाद ये देखिए, ये जो है कच्चे केले की सब्ज़ी, लुक एट दिस। ये जो कच्चे केले हैं ये सब चीज़ों के साथ एक यूनिक टेस्ट, सिंपल टेस्ट, खाने में मज़ेदार। और दशहरे की शुभकामनाएं कच्चे केले की रेसिपी के साथ।